हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5 एमएस पेंट। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड स्टार्टिंग पेंट, पार्ट्स ऑफ एमएस पेंट, हाउ टू ड्रॉ ए शेप, हाउ टू फिल कलर इन शेप, हाउ टू रिसाइज द लाइंस एंड हाउ द कलर कैन बी सेलेक्टेड बाय अस इन द शेप। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्रश टूल विच इज अवेलेबल इन एमएस पेंट। राहुल्स मदर शोज हिम द ब्रश टूल। शी एक्सप्लेन्स टू हिम दैट द ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स और कर्व्स विद डिफरेंट इफेक्ट्स। क्या होता है कि हम ब्रश टूल की हेल्प से बहुत सारी लाइन्स और कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स डाल के, मतलब उस पर बहुत सारे प्रभाव, उसमें बहुत सारे चेंजेस करके हम लाइंस और कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल। हेयर द ब्रश टूल कमांड अवेलेबल इन दिस टैब। सी दिस इज द रिबन। इन रिबन सेक्शन हेयर group of brushes available, you have to click on the brush drop down arrow। आपको यहाँ पर click करना होगा this drop down arrow। You need to click on the brush drop down arrow। There will be multiple options will appear in front of you, so you can select desired option from here। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले brush option पर click करना होगा। जब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ये ब्रशेस जो वाटर कलर के लिए यूज़ होते हैं, क्रेयॉन्स के लिए यूज़ होते हैं, पेंसिल कलर और ऑयल पेंट्स, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ब्रशेस, कलर फिल करने के लिए ब्रशेस के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यू नीड टू सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम हेयर। सो आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द कलर ब्रशेस you can draw here or you can fill the color with the help of brush। So this is the way to fill color। Now the next point is some more tools in MS Paints। अब क्या होता है कि MS Paints में बहुत सारे tools available हैं, हम one by one सभी tools के बारे में study करेंगे। Rahul now learns about different tools in paint। Rahul क्या करेगा, अब पढ़ेगा बहुत सारे टूल्स के बारे में जो एमएस पेंट्स में अवेलेबल है। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर उसे समझाती है, बताती है द फंक्शन ऑफ ईच टूल, हर एक टूल का फंक्शन क्या है। ही ड्रॉज द पिक्चर ऑफ ईच टूल इन हिज एक्सरसाइज बुक। वो क्या करेगा कि वो ड्रॉ करता है, मतलब ड्रॉ करता है सभी टूल्स की पिक्चर्स को अपनी एक्सरसाइज बुक में। दीज आर द टूल्स, इन पिक्चर्स को अपनी बुक में ड्रॉ करता है जिससे कि वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। एंड लिस्ट देम अलोंग विद देयर फंक्शन, और उनकी लिस्ट बनाता है कि उनका क्या नाम है और उनका क्या फंक्शन है, मतलब उनका क्या काम है एम एस पेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले हम टूल को देखेंगे, दिस वन इज़ द पेंसिल टूल। This will work like a pencil, as you can use pencil in your book, so in the same way you can use pencil tool in MS Paint to draw like pencil, to draw like a pencil। जब आप कुछ draw करेंगे तो this will look like this, pencil की तरह ही draw हो जाएगा, जिस तरीके से pencil draw करती है उसी तरीके से draw होगा। Second one is eraser। Eraser क्या काम करती है, to erase the drawn डायग्राम। जो भी आप ड्रॉ करते हैं उसे इरेज करने के लिए आपको इरेजर का यूज़ करना होता है, टू इरेज ए ड्रॉइंग और ए पार्ट ऑफ इट। अगर आपको इस ड्रॉइंग को इरेज करना है, व्हाट यू नीड टू सेलेक्ट दिस इरेजर। वेयर इज द इरेजर अवेलेबल इन द टैब। सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज पेंसिल, द नेक्स्ट बिसाइड द पेंसिल इज इरेजर। सो The third one is fill with color। This option is used to fill the color in the close area। जब हम किसी close area के अंदर color fill करना चाहते हैं, close area मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है,
कहीं से भी कोई लाइन ओपन ना हो, पूरा शेप जैसे सर्किल होता है. सी दिस इज द सर्किल, दिस इज ए क्लोज एरिया, दिस वन ऑल्सो ए क्लोज एरिया. टू फिल द कलर इन ए क्लोज एरिया, जो कहीं से भी ओपन ना हो रहा हो उसमें कलर करने के लिए आपको इस सेक्शन को यूज़ करना चाहिए. फिल विद, इसे यूज़ करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप जाके इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा कलर फिल हो जाएगा. आपको ब्रशेज की ज़रूरत नहीं होगी बार बार इसे ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करने के लिए. सो वेयर द ऑप्शन अवेलेबल इन द टैब, हेयर वेरी नेक्स्ट टू रबर. सी दिस इज द पेंसिल, दिस इज द रबर एंड दिस वन इज द फिल विद कलर. टेक्स्ट, द फोर्थ ऑप्शन इज द टेक्स्ट. व्हेन यू वांट टू टाइप द टेक्स्ट इन ड्राइंग यू नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन. दिस ऑप्शन विल बी प्रेजेंट इन दिस होम टैब. यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रेजेंट होगा ये ए. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टू राइट डाउन इन द ड्राइंग. नेक्स्ट वन इज कलर पिकर. कलर पिकर इज यूज टू कॉपी द कलर फ्रॉम द ड्राइंग, जो आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. सपोज दिस इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर MS Paint. व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कलर पिकर, यू कैन सेलेक्ट द कलर पिकर फ्रॉम द कमांड एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस व्हाट विल इट हैपन, दिस कलर हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द कलर पिकर और यू कैन यूज द सेम कलर इन डिफरेंट ड्राइंग. आप यहाँ से कलर पिकर की हेल्प से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेंगे या पिक कर लेंगे और उसे किसी और ड्राइंग में यूज कर सकते हैं. नाउ द सिक्स्थ वन इज मैग्नीफायर. दिस इज अ कमांड यूज टू मैग्नीफाई ए ड्राइंग. किसी भी ड्राइंग को बड़ा करने और छोटा करके, बड़ा या छोटा करके देखने के लिए मैग्नीफायर का यूज करते हैं. मोस्टली दिस ऑप्शन इज यूज टू मैग्नीफाई, मीन्स टू एनलार्ज द ड्राइंग. किसी भी ड्राइंग को बहुत बड़ा करके देखने के लिए हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं. और यू कैन से इट एज ए जूम, जूम ऑप्शन. आप जूम करते हैं अपने फोटोज़ को, जूम करके देखते हैं. इन द सेम वे यू कैन जूम आउट द ड्राइंग. सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इफ़ यू हैव एनी कंप्यूटर और ए डेस्कटॉप सिस्टम इन योर होम. सो यू कैन गो विद दिस एक्टिविटी. Now, how to save a drawing in MS Paints? MS Paints में आपको drawing कैसे save करनी होती है? We need to follow each and every step to save the drawing. Rahul has drawn a star in the paint. Rahul ने क्या किया? कोई star draw कर लिया. Groups, जो shape group है वहाँ से star पे click करके उसने star को draw कर लिया. His mother asked him to save the file for later use. अब उसकी mother उसे समझाती हैं, उसे बताती हैं कि आप इस फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं और इस सेव फाइल को बाद में ओपन करके कैसे यूज़ किया जा सकता है. ही फॉलोज दीज स्टेप्स. आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. ही क्लिक्स ऑन द फाइल मेन्यू. फर्स्टली यू हैव टू लोकेट वेयर इज द फाइल मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल. दिस हेयर ऑन द वेरी टॉप कॉर्नर ऑफ द MS Paint विंडो देर इज ए फाइल टैब अवेलेबल. यू नीड टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. When you click on the file tab, what will appear in front of you? This drop-down box will appears. In this box, there are multiple options available. Each and every option have their respective work to do. अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है new. जब आप इस पे new पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई MS Paint की फाइल ओपन हो जाएगी. ठीक है, अगर फाइल ऑलरेडी सेव है तो आप ओपन में क्लिक करेंगे और जाके अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं. बट हेयर यू नीड टू सेव. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको तो सेव करना सीखना है. सो देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल टू सेव ए ड्राइंग, सेव एंड सेव एज. वी विल रीड ईच सेपरेटली. टू सेव ए फाइल यू नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन. आपको सेव बटन पे क्लिक करना है. जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. दिस डायलॉग बॉक्स, दिस इज अ सेव एज डायलॉग बॉक्स विच अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन ऑफ डेस्कटॉप. यहाँ पे आपको क्या है, देयर आर मल्टीपल फोल्डर्स प्रेजेंट. बहुत सारे फोल्डर्स हैं और
हेयर ए न्यू फोल्डर ऑप्शन ऑल्सो प्रेजेंट. आपको जहाँ पे भी अपनी ड्राइंग को सेव करना है वो फोल्डर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है. आफ्टर सेलेक्टिंग द फोल्डर यू हैव टू गिव द नेम टू योर फाइल. आपको अपनी ड्राइंग को कोई नाम देना होगा. जैसे आपको अपनी ड्राइंग को स्टार, सपोज यू वॉन्ट टू गिव द नेम स्टार और न्यू फाइल, एनी नेम यू कैन बी यूज. सो यू हैव गिवन द नेम न्यू. आफ्टर गिविंग द नेम टू योर ड्राइंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रेस ऑन द सेव बटन. आपको सेव बटन पे क्लिक करना है. सेव बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी. नाउ राहुल ऑब्जर्व्स दैट देयर आर टू ऑप्शन. एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू ऑप्शन, वन इज द सेव एंड द सेकेंड वन इज द सेव एज. सेव एंड द सेव एज अंडर द फाइल मेन्यू ही आस्क हिज मदर हाउ आर दीज टू ऑप्शन आर डिफरेंट. ये दोनों ऑप्शन अलग कैसे कैसे हैं. ठीक है, तो द सेव ऑप्शन इज यूज टू सेव फाइल विद ए डिफरेंट नेम. जब आप सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी आपसे हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल को मल्टीपल लोकेशंस पे आप अलग अलग नाम के साथ सेव कर सकते हैं. सपोज आपने पहले उस फाइल को नेम दिया न्यू, ठीक है, आपने एक लोकेशन पे उसे सेव कर दिया. अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फाइल. सपोज आपने उसका नाम स्टार कर दिया न्यू से बदल के. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज द नेम ऑफ फाइल एंड यू कैन सेव इट ऑन अनदर लोकेशन और एट द सेम लोकेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए फाइल नेम ऑफ पेंट वन. सपोज आपके पास कोई फाइल है जिसका नाम है पेंट वन एंड नाउ यू वॉन्ट टू सेव इट विद अनदर नेम. अब आप उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, यू कैन यूज द सेव एज ऑप्शन. तो आप अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा. द सेव एज ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंजेस इन द ऑलरेडी सेव्ड फाइल. तो सेव एज ऑप्शन आपको क्या एक अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप जो एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी सेव्ड फाइल उसको नाम बदल के फिर से सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मेक चेंजेस टू फाइल पेंट वन यू कैन यूज द सेव ऑप्शन. अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं फाइल पेंट वन तो आपको क्या करना होगा, सेव ऑप्शन को यूज करना होगा टू सेव द फाइल. दोनों ऑप्शन मैंने अलग अलग बता दिए. सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप उस फाइल का नाम जो ऑलरेडी सेव है उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप पेंट वन को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सेव एज ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो पेंट वन को आप अलग नेम से भी सेव कर सकते हैं, पेंट टू, पेंट थ्री. ओके, नाउ ओपनिंग ए सेव ड्राइंग. हमने अब क्या कर लिया, सेव करना सीख लिया. अब हमने सेव करने के बाद उसे फिर से दोबारा यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू ओपन ए सेव्ड फाइल विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर डेस्कटॉप. सो हाउ कैन आई ओपन ए सेव्ड फाइल, अब हम कैसे खोल सकते हैं. राहुल आस्क हिज मदर, राहुल अपनी मदर से पूछता है. शी एक्सप्लेन्स स्टेप्स टू हिम, वो उसे एक्सप्लेन करती है, बताती है स्टेप्स कि वो कैसे अपनी फाइल को ओपन कर सकता है. यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे. देन यू नीड टू सेलेक्ट द ओपन सेक्शन एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू. ए ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. इस तरीके से एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सी व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सर्च द लोकेशन वेयर यू हैव सेव द ड्राइंग. जहां आपने ड्राइंग को सेव किया है वो लोकेशन आपको सर्च करनी है. आफ्टर सेलेक्टिंग योर डिज़ायर्ड ड्राइंग यू नीड टू क्लिक ऑन द ओपन बटन. आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी. सो यू कैन फर्दर वर्क ऑन इट, आप उस पर फिर से काम कर सकते हैं. नाउ द हाउ टू क्लोज द MS Paint. हमने क्या करा, हमने सीखा सेव करना, ड्रॉ करना, उसे ओपन करना. अब हम सीखेंगे हाउ टू क्लोज ए MS Paint. टू क्लोज ए MS Paint वी विल यूज टू वेज.
हम दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज, फर्स्ट यू नीड टू गो टू द फाइल मेन्यू. आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाना है. हेयर इन फाइल मेन्यू देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल. यू कैन क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन एंड द एमएस पेंट विल बी क्लोज. और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन. दिस क्रॉस बटन कैन बी क्लिक्ड आउट बाय यू सो दैट द एमएस पेंट विल बी क्लोज्ड. हियर ए क्विक टिक अवेलेबल टू ओपन ए ऑलरेडी सेव्ड फाइल बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस ओ कॉम्बिनेशन. आप क्या कर सकते हैं, जो फाइल आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है उसे ओपन करने के लिए आप कंट्रोल और ई की को साइमल्टेनियसली एक साथ दबा सकते हैं. जब आप दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. सो हेयर योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. आई होप यू गेट ऑल द टॉपिक. थैंक यू.